नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सर्विक्स कैंसर के बारे में, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली एनसीआर से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण बंसल। अगर आपके पास भी आपकी कोई समस्या है जिसका आप हल ढूंढ रहे हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके जरिए आप डॉक्टर प्रवीण बंसल से उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आजकल सर्विक्स कैंसर इतना आम क्यों हो चला है, इसके लक्षण क्या हैं, और ये किन उम्र की महिलाओं में ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं? सर्विक्स कैंसर हिंदुस्तान में महिलाओं में सबसे बड़ा कैंसर माना गया है। ये देखा गया है कि सर्विक्स कैंसर गांवों के अंदर ज़्यादा पाया गया है, या जो स्लम्स एरिया हैं सिटीज़ के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा पाया गया है। इसके पीछे जो मेन कारण देखे गए हैं, वो देखे गए हैं कि पर्सनल हाइजीन का ना होना, मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना, या फिर जल्दी उम्र में शादी का होना, ये कुछ कारण हैं जो देखे गए हैं सर्विक्स कैंसर के लिए। जहाँ तक बात लक्षणों की है, सर्विक्स कैंसर में जो लक्षण आते हैं, जैसे कि बदबूदार स्राव का होना वजाइना के थ्रू, या फिर ब्लीडिंग का होना, या फिर सहवास के दौरान पेन का होना, या कमर में दर्द का होना, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। अक्सर देखा गया है कि ये बातें महिलाएं किसी से जिक्र नहीं करती हैं शर्म की वजह से, पर अगर ये बातें महिलाएं बताएं पहले ही अगर लक्षण आते हैं, तो इसका निदान किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण पे ध्यान दीजिए और इसका फौरी उपचार करवाइए, या आपकी जीवन की बेहतरी के लिए ही होगा। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप और आपका नाम क्या है? नोएडा से सपना बात कर रही हूँ, और मुझे सर्विक्स कैंसर है। मेरी सर दो छोटी बेटियाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ क्या ये रोग आगे चल के मेरी बेटियों को भी हो सकता है, या इसका कोई रोकने का उपाय है? देखिए, सर्विक्स कैंसर वंशागुणत बीमारी नहीं है, मतलब कि अगर मान लिया आपको सर्विक्स कैंसर है तो आपके बच्चों को भी सर्विक्स कैंसर होगा, खासकर लड़कियों के अंदर। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि सर्विक्स कैंसर अगर आपको है तो बच्चों में कुछ परसेंट चांस होने ज़्यादा चांस होते हैं। आजकल हमारे पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिसके द्वारा हम सर्विक्स कैंसर को होने से बचा सकते हैं। देखा यह गया है कि सर्विक्स कैंसर एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। करीब 95% केसेस के अंदर ये वायरस कारण माना गया है सर्विक्स कैंसर होने का। आजकल हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और ये वैक्सीन लगाने से कैंसर सर्विक्स कैंसर का से पूरी तरह बचा जा सकता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है और इस समस्या का अगर आप समाधान पाना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर को आप डायल कीजिए, और डॉक्टर प्रवीण बंसल आपकी हर समस्या का समाधान आपको देने के लिए तैयार है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप और आपका नाम क्या है? सर, मैं आगरा से रंजना पांडे बोल रही हूँ। मुझे पिछले एक महीने से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे सर्विक्स कैंसर है। सर, इसका इलाज कैसे होगा और ये कहाँ पे करवाना चाहिए? इसमें इलाज एक ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। किसी भी कैंसर का इलाज तीन तरीके से होता है, सर्जरी के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, और शिकाई के द्वारा। सर्विक्स कैंसर में ये तीनों मॉडलिटी यूज होती हैं। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में है तो इसका इलाज सर्जरी से संभव है और शिकाई से भी संभव है। अगर बीमारी थोड़ी बढ़ी हुई है तो उसमें इलाज चलता है शिकाई से और दवाई से। तो ये तो डायग्नोस ये तो जांच करने से ही मालूम पड़ेगा कि आपको स्टेज कौन सी है, और उसके हिसाब से आपका इलाज चलेगा। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि आप वहाँ पर इलाज कराइए जहाँ पर ये सुविधा तीनों सुविधा उपलब्ध हैं, और जहाँ पर डॉक्टर्स का मीटिंग होती है जहाँ पर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए सही रहेगा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को आप डायल कीजिए, और डॉक्टर प्रवीण बंसल से जो कुछ भी जानकारी चाहिए आपको आप ले सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर प्रवीण बंसल से आपकी बातचीत करा सके, या फिर आपकी जो समस्या है उसका समाधान करा सके।